नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक न्यूज़ शेयर करनी है। एक नया रूल्स जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसके बारे में आपके साथ में डिटेल में शेयर करना चाहता हूं। फिलहाल ये रूल्स सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट के लिए हैं, लेकिन जल्द ही दूसरे स्टेट में ये रूल्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये रूल्स किस बारे में है वह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यह रूल्स पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी रहेगा। तो मान लीजिए आपको MBBS का एडमिशन लेना है, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको फ़िलहाल अभी कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ये रूल्स जो है अगर इम्प्लीमेंट होगा तो आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। कौन से बेसिस में, यह काफ़ी आसान है। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि MBBS कम्प्लीट होने के बाद आप उनके लिए कुछ साल काम करोगे। अगर यह प्रॉमिस अगर आप उन्हें करते हो तो आपको एडिशनल रिजर्वेशन मिलेगा। यह सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप वादा करते हो गवर्नमेंट को कि एक्स्ट्रा उनके लिए काम करोगे तो वो लोग आपको एडिशनल रिजर्वेशन देंगे। तो यह कौन से बेसिस पर होगा वह मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यह जो नया रूल्स है इसके हिसाब से अगर आप गवर्नमेंट को यह प्रॉमिस करते हो कि MBBS कंप्लीट होने के बाद आप उनके लिए 7 साल काम करोगे, फ्री नहीं, आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट के लिए 7 साल काम करना पड़ेगा, तो आपको एडिशनल रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसी तरीके से PG में यानी पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप गवर्नमेंट को प्रॉमिस करते हो आप 5 साल उनके लिए काम करोगे तो पेड सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन आपको 5 साल उनके लिए काम करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए जो भी कास्ट हो आपका, आप वहाँ पर रिजर्वेशन ले रहे हो, अगर आप यह वादा करते हो तो आपको उसके ऊपर एडिशनल रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिलहाल यह महाराष्ट्र के स्टेट के लिए है, लेकिन दूसरे स्टेट में भी यह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।